कोरोना वायरस ने सभी की आर्थिक हालत को प्रभावित किया है। ऐसे में किसी के भी सामने कैश की जरूरत आ सकती है, खासकर तब जब अधिकतर छोटे कारोबार बंद हैं और नौकरी पेशा लोगों की सैलरी काटे जाने की नौबत आ रही है। हम आपको लॉकडाउन में पैसों की जरूरत पड़ने पर बेस्ट शॉर्ट टर्म लोन विकल्पों के बारे में बता रहे हैं। यदि आपको पैसों की जरूरत अभी नहीं है तो अच्छी बात है, मगर फिर भी आपको जरूरत से विकल्पों के बारे में पता और जानकारी होनी चाहिए। आइए जानते हैं ऐसे ही समय के लिए बेस्ट लोन ऑप्शंस के बारे में। ऐसे मुश्किल समय में सबसे आसान ऑप्शन होता है गोल्ड लोन। गोल्ड लोन काफी कारगर है क्योंकि इसके लिए आपको इनकम प्रूफ आदि नहीं देना होता। जहां तक गोल्ड लोन की ईएमआई की बात है तो इसका शेड्यूल भी आसान होता है। अगर आप गोल्ड लोन पाना चाहते हैं तो आपको एनबीएफसी या बैंक के पास गोल्ड जमा करना होगा, जिसकी वैल्यू का 75% तक आपको लोन मिल जाएगा। उदाहरण के लिए अगर आपकी गोल्ड की वैल्यू 1,00,000 रुपए है तो आपको 75,000 रुपए तक का फटाफट लोन मिल जाएगा। गोल्ड लोन लेने का प्रोसेस ये है कि सबसे पहले गोल्ड लोन देने वाली कंपनी या बैंक में जाएं, केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा करें, वैल्यूएशन के लिए गोल्ड जमा कराएं। इसके बाद आपको अधिकतम लोन राशि और स्कीम की डिटेल दी जाएगी। फिर आप तय कर सकते हैं कि लोन की कितनी जरूरत है। लोन कैश या बैंक खाते में लिया जा सकता है। गोल्ड लोन के बाद पर्सनल लोन भी एक अच्छा विकल्प है, मगर ध्यान रहे कि पर्सनल लोन पर ब्याज दर अधिक होती है। खासकर अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो आपको लोन तो मिल जाएगा, मगर ऊंची ब्याज दर पर। दरअसल किसी भी बैंक के सिक्योर्ड लोन के मुकाबले इसकी ब्याज दर अधिक होती है। पर्सनल लोन के अलावा क्रेडिट कार्ड पर लोन भी एक ऑप्शन है। यदि आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो इस पर शॉर्ट टर्म लोन लिया जा सकता है, मगर यहाँ आपकी क्रेडिट कार्ड का हिस्ट्री और क्रेडिट लिमिट देखी जाएगी और उसी हिसाब से कोई बैंक आपको लोन देगा। इसमें आपके पास 24 महीनों तक लोन चुकाने का समय होता है। इसके बाद आता है पीपीएफ पर मिलने वाला लोन। पीपीएफ आपका एक निवेश माध्यम है, मगर जरूरत पड़ने पर आप इसी से लोन भी ले सकते हैं। मगर ध्यान रहे कि पीपीएफ खाता खुलने के बाद तीसरे साल से आपको लोन लेने का ऑप्शन मिलेगा। इसके लिए कागजी कार्रवाई होगी, जिसमें आपको पीपीएफ अकाउंट पासबुक और फॉर्म डी जमा करना होगा। इसी तरीके से एफडी पर भी लोन मिलता है।